हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीनोर की प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर गाइस आपको 2 दिन से दिख रहा होगा टेलीनोर पर इमरजेंसी कॉल ओनली और आपके नेटवर्क भाग गए होंगे। तो यहाँ पर रीज़न क्या है गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है टेलीनोर कंपनी जो है बिक चुकी है और उसे एयरटेल ने खरीद दिया है। तो उसके बाद से गाइस यहाँ पर ऑपरेटर सिस्टम बदले जा रहे हैं। जो नेटवर्क वगैरह थे टेलीनोर में वो एयरटेल में किए जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को करने में इन्हें 1 दिन का टाइम चाहिए था। तो यहाँ पर 1 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। अब जो है आप जो इमरजेंसी कॉल आ रही है टेलीनोर के सिम में उसको आप सोल्व कर सकते हैं और अपना जो सिम है वो अपने हैंड टू हैंड ही गाइस अपने एयरटेल के सिम में कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिखा जाएगा एयरटेल। तो यहाँ पर गाइस आपको किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं है, अंगूठा अंगूठा लगाने की या बायोमेट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने मोबाइल में एक सेटिंग्स करनी होगी और आपके सिम में जो इमरजेंसी कॉल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका टेलीनोर का ऑपरेटर सिस्टम था, बस सिर्फ आपको उसमें जो है एयरटेल का ऑपरेटर सिस्टम सिलेक्ट करना है। आप गाइस यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये तो एंड्रॉयड मोबाइल है, आप कीपैड मोबाइल में बता रहे हैं। तो प्रोसेसर बिल्कुल एक ही है, आपको सिर्फ एक ही फीचर में जाना है जिसमें वो आपको ले चलूंगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चला जाता हूँ। तो वैसे यहाँ पर मैं जो है अब छोटे मोबाइल में नहीं बना सकता, इसलिए ही मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल डेटा, डेटा में जाना है। तो वहाँ पर आपके छोटे मोबाइल में लिखा हुआ होगा नेटवर्क, नेटवर्क लिखा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटर लिखा हुआ होगा आपके छोटे मोबाइल में भी। किसी भी मोबाइल में आप चलाएंगे तो यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटर्स लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर चूज ए नेटवर्क ऑपरेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, चूज ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपको चूज ऑटोमेटिकली पर क्लिक नहीं करना है। आप पर जो यहाँ पर नीचे नेटवर्क आएंगे उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा वेट है और उसके बाद जो है, तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल नेटवर्क होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस पहले तो हमारा जियो है, जियो 4G और उसके बाद रिलायंस 4G, लेकिन यहाँ पर आपको जो है मिलेगा एयरटेल इंडिया, एयरटेल 4G या 3G मिल सकता है। यहाँ पर इंडिया एयरटेल लिखा हुआ होगा आपको, क्योंकि ये सिम जो है जियो का है, टेलीनोर का नहीं है। या तो फिर आपको जो है यहाँ पर एयरटेल का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, आपको सिर्फ उस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं जियो पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर रजिस्टर ऑन नेटवर्क आ जाएगा। उसके बाद जो आपका जो है सिम जो है एयरटेल में पहुँच जाएगा और वहाँ पे एयरटेल का जो है सिम दिखाएगा, एयरटेल टेलीनोर। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।